आज इस स्पर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हार्टलाइन आपकी जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हार्टलाइन का जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होना उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये आपको इमोशनल अधिक बनाता है, जिस वजह से आप सामने वाले की चालाकियों को, सामने वाले की बुराई को नहीं देख पाते हैं। आप ईमानदार होते हैं, आप सच्चे होते हैं, आप अच्छे होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे आपके जीवन में आते हैं जो आपकी अच्छाई का, आपकी सच्चाई का फायदा उठाते हैं। धोखा आपको बहुत मिलता है। फैमिली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। पैसा हो या काम हो, उसके बाद फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं। हार्टलाइन आपकी देख रही है मंगल के तरफ। हार्टलाइन जब मंगल के तरफ देख रही होती है, ये आपके अंदर के गुस्से को बढ़ाती है। ऐसे ही लोगों को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा नुकसान के अलावे आपको कभी कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है, गुस्से ने केवल नुकसान ही करवाया है, फायदा किसी का नहीं हुआ है, तो आपका कैसे हो सकता है। ब्रह्मांड ने आपको जैसा रच दिया है, आप उसी अवस्था में खुद को बनाए रखेंगे तो फिर समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा। जो भाग्य में है वही होगा, लेकिन यहाँ आप अपने भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। इसीलिए यदि ब्रह्मांड ने आपको गुस्सेल बना दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुस्से को मेंटेन रखते हुए चलेंगे। नहीं, गुस्सा जब आएगा तो खुद को सीमित रखना है, गुस्से को काबू में रखना है, क्योंकि आप जैसे लोग गुस्से की अधिकता होने पर खुद का भी नुकसान कर बैठते हैं। ट्वेंटी एट के बाद एक बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके हार्टलाइन के ऊपर। यहां हार्टलाइन आपकी एकदम से नए सिरे से स्टार्ट हुई है, जो बताती है अब आपके लिए 28 के बाद आपके लिए पैसा अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, फैमिली उसके बाद। ऐसे लोग सफलता अधिक पाते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों की चाहत आपको अधिक होती है, ब्रह्मांड आपको वही देता है। जब तक आप सफलता के पीछे भागेंगे नहीं, सफलता आपको मिलेगी कैसे? पैसे के पीछे भागेंगे नहीं, पैसा आपको मिलेगा कैसे? तो 28 के बाद से आपका भाग्योदय होगा। हार्टलाइन पे दबाव की स्थिति काफ़ी तगड़ी बनी हुई है। हार्टलाइन पे जब दबाव की स्थिति बनती है, हार्टलाइन डार्क हो गई, टूट गई, टुकड़ों में बट गई, यव की आकृति बन गई, या छोटी छोटी लाइन्स आकर के इसको कट कर रही हैं, जंजीर नुमा आकृति में तब्दील हो गई है आपकी हार्टलाइन। एक तो टूट भी रही है और कहीं कहीं पर ये जंजीर नुमा आकृति में तब्दील हो गई है, कहीं पे छोटी सी यव की आकृति भी बनी है और ये डार्क हो गई है। हार्टलाइन पे दबाव की स्थिति का बनना आपके निजी जीवन में समस्याओं के बारे में बताता है। ये कहता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आने वाली हैं। अभी फ़िलहाल पर्सनल लाइफ आपकी ठीक है, गुस्से की वजह से जो उतार चढ़ाव हो, लेकिन फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स जनरेट होते हुए दिख रहे हैं तकरीबन 33 के बाद से। उससे पहले ठीक है हालात। एक अच्छी बात क्या है, हार्टलाइन आपकी नीचे यानी माइंड लाइन की तरफ चली गई है। हार्टलाइन जब माइंड लाइन की तरफ चली जाती है, तो पहला बेनिफिट क्या होता है, पर्वतों को स्पेस अच्छा मिल जाता है। ऊपर वाले जितने भी माउंट होते हैं, इनको स्पेस अच्छा मिल जाता है, और इन माउंट को स्पेस अच्छा मिलने के कारण आप जिस भी फील्ड में होते हैं, कम संघर्ष में आपको सफलता अधिक मिल जाती है। बहुत सफल होते हैं ये लोग, और कम आयु से ही आप सफलता को प्राप्त करनी स्टार्ट कर देते हैं। ये पहला बेनिफिट होता है। दूसरा क्या होता है, जब आपकी हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ चली जाती है, तब आप इमोशनल थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके दिल का काम आपका दिमाग करता है। आपके जो भी फैसले होते हैं वो दिमाग ही लेता है, और दिमाग जब आपके जीवन से जुड़े फैसले लेने स्टार्ट कर दे, तब आपसे गलतियां कम होती है। यहां आपको इस माइंड लाइन
और इस हार्ट लाइन, क्योंकि हार्ट लाइन नीचे की तरफ आ गई है, तो क्या इसका फायदा आपको कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? बेनिफिट तो आपको मिलेगा, लेकिन बंधन योग के कारण एक सर्टेन एज तक तो नहीं मिल रहा है। बंधन योग आपकी माइंड लाइन के ऊपर है, इसलिए माइंड लाइन को आज़ादी नहीं मिल रही है। माइंड लाइन का स्वरूप जब से बेहतर होगा तब से आपको सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि तब आप जो भी डिसीजन लेंगे वो लगभग सही होंगे आपके। माइंड लाइन पर बंधन योग चल रहा है। बंधन योग क्या होता है? माइंड लाइन हो, लाइफ लाइन हो, दोनों आपस में जब बंध जाए, बंधन योग हो गया। अब जो चीज़ बंध गई, पिंजरे में कैद हो गई, उसका आउटपुट अच्छा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो माइंड लाइन का आउटपुट शून्य हो गया, लाइफ लाइन का जो प्रभाव है वो भी शून्य हो गया। यानी जीवन आप जी रहे होते हैं वो दिशा विहीन होती है, आप संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन वो संघर्ष भी कोई मायने नहीं रखता है। इसके पीछे की वजह है आपकी काबिलियत कुछ अलग होती है और काम आप किसी और दिशा में कर रहे होते हैं। जब तक इंसान को खुद की काबिलियत का अंदाजा ना हो जाए, क्या हर इंसान हर क्षेत्र के लिए बना है? नहीं, सभी इंसान एक या दो फील्ड में ही आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने जब आपकी रचना की, आपके अंदर विशेष करके एक या दो क्षेत्र में सफलता पाने की ऊर्जा के साथ आपको यहाँ पे भेजा है। और बंधन योग चल रहा हो या माइंड लाइन मंगल से इनिशिएट हो जाए, ऐसे लोग भ्रम जाल में रहते हैं जब तक स्थिति आपकी या वो परिस्थिति चली होती है, बंधन योग चल रहा होता है, तब तक आप एक भ्रम जाल में होते हैं जहाँ आपको लगता है आप मल्टी टास्कर हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप कहीं भी जाएंगे मेहनत के दम पर सफलता पा लेंगे। नहीं, मेहनत मात्र करने से सफलता नहीं मिलती है, मेहनत के साथ दिमाग लगाना होता है। दिमाग शारीरिक बल के बेसिस पे या शारीरिक मेहनत से सफलता मिलनी होती तो मजदूरी करने वाला अभी करोड़पति होता, ठीक है? आपको मेहनत करनी है, दिमाग लगा करके करनी है, जहां दिमाग को मेहनत करना है, शरीर से ज़्यादा आपका दिमाग काम करेगा, तभी जा करके आप सफलता को पाएंगे। और बंधन योग के कारण आपका माइंड का जो पावर है, आपकी जो सोचने की एबिलिटी है, वो शून्य हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। बंधन योग जब तक चल रहा होता है, क्योंकि आप कुछ सोच नहीं पाते हैं, आपको समझ में कुछ नहीं आता है, आपका आत्मविश्वास एक का जो स्तर है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, आपका आत्मविश्वास ठीक नहीं रहता। आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, अगर सामने आपको पता है, आपको समझ में सब आ रहा है, आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता है, बट आप सही से बता नहीं पाएंगे, आप घबरा जाएंगे वहाँ पे। यानी आपका जो कॉन्फिडेंस है वहाँ पे लो हो जाएगा। अब बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपको कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपके माइंड लाइन के ऊपर, कि माइंड लाइन आपके स्टार्ट कहाँ से हुई है और उसका स्वरूप कैसा है, वो दिखने में कैसा है, टूटा तो नहीं है, कहीं पे फैल तो नहीं गया, इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी माइंड लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है। एक तो बंधन योग काफ़ी लंबे वक्त तक चला है आपकी हथेली में, यहाँ से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है। 28 के बाद से ही अच्छे फॉर्म में दिख रहा है, उससे पहले तो हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बंधन योग है 25 तक माइंड लाइन के ऊपर, उसके बाद कुछ वक्त तक छोटी सी यव की आकृति बन गई है। 28 के बाद से आपकी माइंड लाइन जुपिटर के माउंट से या जुपिटर के माउंट की तरफ देखती हुई स्टार्ट हुई है। तो 28 के बाद ही, यानी 28 के लगभग के जब आप होंगे, तभी आपको अनुमान इस बात का होगा कि आपकी खुद की काबिलियत क्या है और उस बेसिस पे आपको किस फील्ड का चुनाव करना है। यानी 28 के वक्त के होने के बाद जिस जो भी फैसला लेंगे आपके, आपको भविष्य के लिए क्या करना है वो सटीक होगा और उसी क्षेत्र में आगे चल करके आप सफलता हासिल करेंगे। तो भाग्योदय आपका 28 से है। माइंड लाइन पर दबाव की स्थिति तो बनी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक तो लेट आपको आभास हुआ बंधन योग के कारण और यव की आकृति माइंड लाइन के ऊपर बन जाने के कारण आपको देरी से इस बात का पता चला कि आपके लिए कौन सा फील्ड सही है। तो 28 से तो आपने इनिशिएट किया है। अब जब आप देरी से कोई काम स्टार्ट करते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है फिर वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे सफलता को पाने के लिए संघर्ष करना होगा और संघर्ष करते करते जब आप फोर्टी के लगभग ही हो जाएंगे, उसके बाद से लाइफ आपकी स्थिर हो जाएगी एकदम। मतलब जिस तरह की सफलता की उम्मीद आपने अपने आप से रखी है, जिस तरह के जीवन की उम्मीद आपने अपने आप से रखी है,
उस तरह की सफलता आपको 40 के लगभग से मिलनी स्टार्ट हो जाए। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएंगे जीवन में, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन क्या है ना कि इंसान अपने आप से जब ज़्यादा उम्मीदें रख लेता है तो एक संतुष्टि, काम से संतुष्टि, वर्क से संतुष्टि, माइंड लाइन पे दबाव की स्थिति बन रही है, यानी वर्क आप कर रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, बस उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो वो संतुष्टि आपको मिलेगी 40 से, लेकिन सफलताएं आपको लगातार मिलेंगी। ऐसा नहीं कि सफलता भी 40 से ही मिल रही है, नहीं, उससे पहले भी आपको काफ़ी ज़्यादा सफल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लाइफ लाइन पे चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बैक टू बैक आ रहे हैं, तो 40 प्लस होने पर आप अपने वर्क से संतुष्ट हो जाएंगे, काफ़ी अधिक पैसा आपके पास आ जाएगा, लेकिन 40 से पहले जो भी काम आप करेंगे उससे भी थोड़ी बहुत असंतुष्टि, अनसेटिस्फाइड वाला वो जो बिहेवियर है वो आपका कायम रहने वाला है। माइंड लाइन आपकी बहुत बड़ी नहीं है, मध्यम स्तर की है। माइंड लाइन जब बहुत बड़ी ना हो, ऐसे लोग सपने ना के बराबर देखते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि आपकी माइंड लाइन के ऊपर बंधन योग चल रहा है तो थोड़ी बहुत कल्पनाशीलता तो होगी फिलहाल, लेकिन जब आप 28 प्लस हो जाएंगे या 28 के हो जाएंगे तब कल्पनाशीलता या इमेजिनेशन करने की जो पावर होती है वो शून्य हो जाएगी। आप जिस भी तरह की लाइफ को जी रहे होंगे उसी को आप रियल मान के चलेंगे, यानी रियलिटी में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जीते हैं, वास्तविकता में जीने की इनकी आदत होती है। ये बेनिफिट क्या देता है, इसके कुछ नुकसान है लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। फ़ायदे ये हैं, आप अपनी स्थिति से वाकिफ होते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि मेरी लाइफ कैसी है, मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, यदि तो किस तरह से बनाना है। सपने कम देखते हैं, सपने नहीं देखते, बस दिन रात इसी क्रम में लगे रहते हैं कि मेरी लाइफ ये है, मुझे इसे बेहतर करना है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होती है, काम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, पूरे दिन सपने बुनते रहते हैं। और जो लोग पूरे दिन सिर्फ सपने बुनते हैं, कर्म नहीं करते, सफलता कहाँ से मिलेगी। आप लोगों के साथ अच्छी बात क्या है कि आप लोग कर्म अधिक करते हैं, सपने नहीं बुनते, तो जो लोग कर्म करते हैं वो सफलता बहुत पाते हैं। तो सफलता तो आपको मिल रही है, इसमें कोई भी कहीं भी डाउट नहीं है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूँ, कभी कभी क्या होता है ना, बात दिमाग से निकल जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें आपको बोली थी कि मैं बताऊंगी। निगेटिव चीज़ क्या होती है आप लोगों के अंदर, जैसे मान लीजिए अप्स एंड डाउन सभी के लाइफ में आते हैं, किसी की लाइफ ऐसी तो नहीं है ना कि प्रॉब्लम आई ही ना हो किसी के लाइफ में, कोई नहीं है। भगवान भी आ जाए तो वो उन्होंने भी बहुत से प्रॉब्लम को फेस किया है, भगवान भी तो इंसान की तो फिर तो कोई हैसियत ही नहीं है उनके सामने। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब प्रॉब्लम आती है इनकी लाइफ में, कोई भी आ गई, तो वहाँ क्योंकि ये ड्रीमी नहीं होते हैं, इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं, अब इनको घबराहट होती है, डिप्रेशन होता है, इनको लगता है कि हालात यही हैं, अब इस प्रॉब्लम से मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा। इस बात को भूल जाते हैं कि हर परमानेंटली आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना तो खुशी है ना ही गम है, सब आता जाता रहता है। लेकिन उस आने जाने के क्रम में जब भी इनकी लाइफ में कोई भी छोटी सी भी असफलता आ जाती है, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। बस एक ही माइनस पॉइंट है, और दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि गुस्सा तो आता नहीं है, एक ना के बराबर गुस्सा मतलब आता नहीं है, मतलब ये कि जल्दबाजी में गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आ जाए तो शांत नहीं होता, बहुत खतरनाक वाला गुस्सा आता है। ये वाली लाइन काफ़ी स्ट्रांग है आपके हाथ में, ये दुश्मन की लाइन है, दुश्मन मीन्स आपका एनिमी, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब क्या है कि जब आपके हाथ में एकदम पतली सी छोटी छोटी लाइंस होती हैं मंगल के माउंट, आउटर मंगल के आउटर मास के माउंट के ऊपर, तो ये क्या बतलाता है कि दुश्मन है आपके जीवन में, आपका बुरा चाहते हैं लेकिन बुरा कर नहीं पाएंगे, वो इतनी उनकी इतनी हैसियत नहीं है, उनका इतना उतने उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको बुरा कर पाए। लेकिन ये जो है, ये जो भी दुश्मन है आपके, एक तो बेहद करीबी हैं और नुकसान तो पक्का आपको मिलने वाला है, वो तगड़ा वाला मिलेगा। ये सिर्फ नुकसान चाहते नहीं हैं, ये आपको नुकसान दे करके जाएंगे, और एक बार जीवन में आपको भारी नुकसान उठाना होगा। अब सचेत आपको, क्योंकि साइन है, आपने एनालिसिस करवा लिया है, तो आपको सचेत रहना है, आँख बंद करके यकीन मत कीजिएगा, और जहाँ आपने आँख बंद करके यकीन किया वहाँ नुकसान जाएगा। पैसे को लेकर के भरोसा नहीं करना है, क्योंकि पहला लॉस तो पैसे का ही जाएगा, और ऐसे भी एक साइन है तो नुकसान जाने के चांसेस हाई हैं आपके हाथ में, या धोखा मिलने धोखे मिलने के चांसेस हाई हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, नुकसान कम जाएगा। लाइफलाइन आपकी स्टार्ट हुई है,
ऐसे बंधन योग चला और बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद जुपिटर के माउंट की तरफ ये देख रही है लाइफलाइन आपकी। लाइफलाइन जब से जहाँ से जुपिटर के माउंट की तरफ देख रही होती है आपकी लाइफ में प्रोग्रेस उसी एज से एंटर होता है। तो बाकी कब कब आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कब प्रोग्रेस मिलने वाला है, कब किस तरह की का परिवर्तन आएगा, एज वाइज एनालिसिस फिर जब आएंगे तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बाकी जुपिटर के माउंट से लाइफलाइन का स्टार्ट होना अच्छा है, या आपके मन की या आपकी जितनी भी जो भी इच्छाएं होती हैं ना उसको पूरी करवा देता है। कैसे करता है? जब आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ती है तो आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ अच्छा स्ट्रांग हो जाता है, और जब आपका कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ स्ट्रांग होगा तभी आपकी विश पूरी होती है, हर किसी की नहीं होती है। अब देखना जो लोग बहुत रोते रहते हैं ज़िंदगी भर उनका रोने में ही बीत जाता है, क्योंकि जब आप रोते हैं, आप कंप्लेन करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आपके अंदर की पॉजिटिविटी कम हो जाती है। और जिस वक्त आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ गई, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपकी सोच निगेटिव हो गई, याद रखिएगा वो वक्त होता है जब आपका कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ टूटता है। इंसान के सोचते हैं कि सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब ये जो मैं बार बार कहती हूँ कि इंसान कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप बस रास्ते बदल रहे हैं, और रास्ता बदलने मात्र से जीवन बदल रहा है। अब रास्ता क्यों बदल रहा है आगे, कभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक वीडियो मैं बनाऊँगी जिस पे आप लोगों को पता चलेगा कि जीवन जो हम देख रहे हैं वो तो रियलिटी है नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, जितना हो सकेगा मैं बताने की कोशिश करूँगी आपको, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। बाकी लाइफलाइन गोलाई में जब वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के फील्ड में जाते हैं, और ख़ास करके इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग अच्छा नाम कमाते हैं। ब्रांचेस का निकलना, ब्रांचेस यदि निकल रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कहीं ना कहीं मून माउंट के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन तो बनाएगी ही। अब मून माउंट के साथ कनेक्शन बना है तो बिजनेस कीजिए आप, बहुत सफलता मिलेगी। फॉरेन में जा करके सेटलमेंट लेते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये बहुत तरह के विकल्प को शो करता है। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है, मून माउंट और मार्स माउंट के एकदम मध्य से। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, और जो भी जितनी भी सफलता इन्हें मिलती है इनके खुद के कर्मा की बदौलत मिलती है, इनकी खुद की खुद के सोच, खुद के इंटेलिजेंस की वजह से मिलती है। ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और अपने ज्ञान अपनी बुद्धि की वजह से लोग बहुत सफलता पाते हैं, खूब पैसा बनाते हैं। सनलाइन हल्की सी कर्व हो जाए, जॉब आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहता है। जॉब के माध्यम से अधिक सफलता, आपके पास दो ऑप्शन है, आप दो में से कोई एक सिलेक्ट कीजिएगा। यदि स्टडी में आपका फोकस बन रहा है, वैसे पहले मैं आपका सवाल देख लेती हूँ फिर बाकी, मतलब हो सकता है आप जॉब में हों या क्या, एक बार सवाल देख लेते हैं आपने पूछा क्या है। आपके सवाल से ये बात तो मुझे नहीं समझ में आई कि आप करते क्या हैं, क्योंकि आपने कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं, बट आपकी खुद की क्या मतलब चीज़ें हैं वो नहीं समझ में आई मुझे, आप करते क्या, आपका प्रोफेशन क्या है। लेकिन अदरवाइज़ आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो आप बेस्ट और सेफ जोन है आपके लिए, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ ध्यान देते हैं तो वो ठीक है, वो ठीक रहेगा आपके लिए। और उसके अलावे विकल्प आपको देखना है तो फिर बिजनेस में भी आप आ सकते हैं, बट बिजनेस में आने की उम्र आपकी जो होगी वो तकरीबन, अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं तो बिजनेस में बड़ी सफलता आपको 40 के बाद ही मिलेगी। उस पिक में मुझे लगा कि सिर्फ कर्व सनलाइन है आपकी, कर्व तो है ही, कर्व नहीं है, ऐसा नहीं है, कर्व तो है ही। जॉब के पूरे चांसेस हैं आपके हाथ में, और गवर्नमेंट जॉब के स्ट्रॉन्ग साइन है,
लेकिन बिजनेस करना चाहे तो उसके भी आसार काफ़ी स्ट्रांग है, और साथ ही बिजनेस में बड़ी सफलता, यहाँ तक तो धूमिल हो गई है। अगर ये स्ट्रांग होती तो 35 तक तो बहुत बड़ी, तो अच्छी खासी सफलता आपको बिजनेस में मिलनी स्टार्ट हो जाती है। बट बिजनेस में बड़ी सफलता आपको 40+ होने पर ही मिलेगी। आपके हाथ में राजा लोप है। राजा लोप, जैसे कि नाम से ही आपको वो समझ में आ गया होगा, ये राजाओं वाले गुण देता है, गुण देता है। अनंत क्षमता कमाल की होती है। लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी सफलताओं को देख करके आपके प्रशंसक बनते हैं, आपके फैन हो जाते हैं। और बहुत से लोग, ये अभी नहीं, थोड़ी सी उम्र हो जाने दीजिए आप, जब आप 50+ हो जाएंगे, 55 के हो जाएंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे आपको देख करके इंस्पायर होंगे और आपके जैसा बनने की चाहत रखेंगे। तो ये राजा लोप आपको फेम भी देता है, आपको पैसा भी दे देता है, क्योंकि देखिए पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। आपके पास फेम हो गया तो पैसा तो अपने आप आपके पास आ जाएगा, उसकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। फेम देता है, लोग आपके जैसा बनने की चाहत रखते हैं, और इसका फ़ायदा आपको मिलता है जब आप 50+ हो जाते हैं, 55+ हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अब इस उम्र में मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। भाई वही उम्र है अभी, तो चलो ठीक है, अगर आप 50 से पहले आपको स्ट्रगल है, 40 से पहले आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, मैं उसको स्ट्रगल नहीं मानती, कभी नहीं मानती। लेकिन जब 40 के बाद स्ट्रगल स्टार्ट होता है किसी की लाइफ में, 50 के बाद होता है, वो लाइफ बहुत, उसको मैं अच्छा नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि तब तक आपके अंदर की एनर्जी ख़त्म हो जाती है, आपके अंदर कुछ रहता नहीं है, आप क्या आउटपुट दे पाएंगे। लेकिन जब आपका ओल्ड एज सिक्योर होता है, अच्छा होता है, पैसे की कमी नहीं होती है, वो बेहतरीन लाइफ होती है। ये वाली लाइन कनेक्शन बनाती है जुपिटर और सन के बीच में। अब ये कनेक्शन क्या बताता है, अब यहाँ देखिए, यहाँ ज्ञान और सम्मान का कनेक्शन बन रहा है। यानी आपके ज्ञान की वजह से आप सफलता को पाएंगे और उस सफलता के कारण आपको सम्मान मिलेगा। कितनी बड़ी बात है, मतलब ज्ञानी है आप, आपने अपने ज्ञान की वजह से सफलता को पाया और आपकी सफलताओं के कारण आपको सम्मान मिला। और सम्मान भी कोई ऐसा नहीं है कि आम इंसान दे रहा है, बहुत बड़े बड़े तबके के लोग आपको सम्मानित सम्मान करते हुए दिखाई देंगे, आपसे सलाह मशविरा लेते हुए दिखाई देंगे। आपके सन माउंट पर ट्रायंगल काफ़ी अच्छा है। ट्रायंगल का साइन सन माउंट पर पाया जाने, किसी भी माउंट पर हो, इसका पहला काम होता है उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा देना। अब इसने सन माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया है, इससे क्या होगा, आपको सम्मान अधिक मिलेगा, शोहरत मिलेगा। और जहाँ सम्मान मिला है, शोहरत मिल रहा है, सफलताएं मिल रही हैं, लोग आपको देख करके इंस्पायर हो रहे हैं, तो अब ऐसी बात है, पैसा तो आएगा आपके पास। और ट्रायंगल जितना बड़ा होगा, ये आपको सफलता भी उतनी ही बड़ी देता है। तो ट्रायंगल मध्यम स्तर से थोड़ा बड़ा है तो सफलता आपको अच्छी खासी मिलेगी। ये वाली भी ट्रायंगल कंप्लीट ही लग रही है, बट अभी भी आभासी ही है, बहुत स्पष्ट तौर पे बनी नहीं है। फिलहाल उम्र भी आपकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है कुछ वक्त के बाद ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ये ट्रायंगल जब कंप्लीट हो जाए, हाथ में एकदम स्पष्ट लाइनों के माध्यम से दिखाई देने लगे, समझ लीजिएगा सफलता, बड़ी सफलता बेहद नज़दीक है। स्क्वायर का साइन भी बना हुआ है हाथ में। स्क्वायर का साइन आपके किसी भी माउंट पर हो, इसका पहला काम होता है आपको प्रोटेक्शन देना। अब ये है आपके सन माउंट के ऊपर, तो ये किस तरह से प्रोटेक्ट करता है आपको, सन माउंट के एक वर्क को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा। ये आपको सम्मान दिलाता है, पैसे के आने के माध्यम में भी आपकी मदद करता है, क्योंकि सम्मान मिलता है, सफलताएं मिलती है, तो पैसा तो आएगा। अब ये क्या करता है, आपको डिफेम होने से बचाता है। कहीं भी ऐसा कुछ दिखेगा इसको कि हो सकता है इस काम को करने से आपका सम्मान कम हो जाएगा, आप अपमानित हो सकते हैं, वहाँ ये आपको प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करता है, मनी लॉस से भी आपको बचाता है। अब एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन यदि हाथ में है तो क्या परिणाम यही होगा? ये तो होगा ही, साथ में आपकी इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे, एक से ज़्यादा हो जाएंगे। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट हो गया है सैटर्न की तरफ। अब इस वजह से क्या हो गया, आप ये इसकी पॉजिटिविटी कम हो गई है, प्रभावशाली उतना नहीं रहा जुपिटर का माउंट। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहने वाली है, माता पिता रिलेटिव के साथ कनेक्शन हो, माता पिता के साथ हो, हस्बैंड वाइफ जो भी है जिनके भी साथ रिलेशन है वो ठीक नहीं रहता है, डिस्टर्ब रहता है, कोई ना कोई दिक्कत इश्यूज लगे रहते हैं। ऐसे भी आपकी हार्ट लाइन को देख करके पहले ही बता दिया मैंने, पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। और जैसे जैसे इसे 32-33 के बाद से इश्यूज बढ़ जाएंगे। सचन का माउंट आपका हल्का सा दबा हुआ है। आप देखिए शनि का पर्वत क्या है, धन रेखा कहाँ जाती है, शनि के पर्वत के ऊपर जाती है। शनि के पर्वत पर जब धन रेखा जाती है वो धन का के मार्ग को शो करती है। कोई भी लाइन कहीं से भी स्टार्ट होकर के शनि के पर्वत तक पहुंच गई वो आपकी लक लाइन बन जाती है, और लक लाइन बन जाती है यानी पैसे के मार्ग को वो शो करता है। यदि पैसा आपके पास आना है ठीक है, वो मार्ग ही आपका धस गया तो प्रॉब्लम है वहाँ पर। प्रॉब्लम क्या है, पैसा गया, अटक गया कहीं पे, होता है ना। आप कहीं भी जैसे सड़क वगैरह पे, मैं एकदम से सिंपल वर्ड के माध्यम से आपको समझाऊंगी, आप सड़क पे आपने गड्ढा देखा होगा, बारिश हुई वहाँ पे क्या हो गया, पानी जमा हो गया। तो यहाँ क्या हुआ कि पैसा तो आ रहा है लेकिन कहीं पे अटका हुआ है, भारी मात्रा में पैसा अटक गया। अब पैसा आपका सोर्स कहीं पे अटक गया, अब इस वजह से क्या हो गया कि आप कर्जे में डूब गए। कहीं से जीवन यापन के लिए पैसा कहीं से आएगा ना जी, आपका इनकम तो अटका हुआ है तो फिर आप कहीं से तो पैसा लेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, कर्जा बढ़ गया, खुद का पैसा कहीं चला गया, आपका दूसरे के पैसे के आप या दूसरे के दिए हुए कर्जे के अंदर आप दब गए। तो ये इस प्रॉब्लम के बारे में बताता है। शनि के रेमेडीज आपको करने हैं, क्योंकि जब तक अगर रोड आपका अच्छा नहीं है, सोर्स जिस रास्ते से आएगा वही क्लियर नहीं है तो पैसा का फ्लो कैसे बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको शनि के कुछ रेमेडीज करने हैं जिसके बाद से प्रॉब्लम ना के बराबर आपके जीवन में रहेगी। बिजनेस करने की आपको सोचना है, मैंने पहले भी बोला है 40 के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। इसके पीछे की वजह क्या है, सभी माउंट को सैटर्न भले दबा हुआ है लेकिन स्पेस अच्छा दिया सैटर्न के माउंट को, आपकी हार्ट लाइन ने सन माउंट को भी स्पेस अच्छा दिया, लेकिन जब बारी आ गई मर्क्यूरी के माउंट की, इसके स्पेस को ये एकदम से कम कर दिया इसने। और मर्क्यूरी का माउंट जिम्मेदार होता है आपके बिजनेस सेंस को लेकर के, आप बिजनेस में मिलने वाली सफलताओं को लेकर के। अब इसी को स्पेस कम मिला है तो कैसे आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे, और वो भी 30-35 तक नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, इसका दुष्प्रभाव खत्म होगा 40-45 तक। और आप बिजनेस में आना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ी सफलता आपको 40 प्लस होने पर ही मिलेगी। अंगूठा काफ़ी सशक्त है आपका, स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया है। अंगूठा जब सशक्त होता है आप जो भी प्लानिंग बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्लान, मैंने पहले भी बोला है कि सपने देखने या सपनों के पीछे नहीं भागते हैं आप, कर्म प्रधान है। अभी फिलहाल बंधन योग में हैं आप, तो इसीलिए आपको ये क्वालिटीज़ अपने अंदर नहीं दिखेगी, दिखेगी भी तो बहुत कम स्तर की दिखेगी। आपके अंदर क्वालिटीज़ बढ़ने वाली हैं 28 के होने पर। आपको अपने पावर्स का अनुमान होगा, अपने अंदर की काबिलियत का अनुमान होगा जब आप 28 के होंगे। अभी फ़िलहाल 1-2 साल तो इंतज़ार करना है आपको। और अंगूठा का भी अच्छा है तो इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं तो सफलता मिल जाती है। ये वाला पार्ट हल्का सा भी यदि झांक रहा है, बाहर निकल गया है, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनका हाथ देखिएगा, ये वाला पार्ट बाहर की तरफ होता है। और जो एकदम से सशक्त पॉलिटिकल लीडर है उनके हाथ में भी कुछ इस तरह की आकृति देखने को मिलती है। साइंटिस्ट के हाथों में भी इस तरह की आकृति देखने को मिलती है। ये लोग ऐसे होते हैं जहाँ दिमाग अधिक लगता है, और उन्हीं क्षेत्रों में लोगों को जाना भी चाहिए जहाँ दिमाग अधिक लगेगा, दिमाग की खपत अधिक होगी, उन क्षेत्रों में इन लोगों को सफलता बहुत मिलती है। क्योंकि आम इंसान से अत्यधिक सोचने की बुद्धि या ज्ञान कह सकते हैं इनके पास होता है, दिमाग ज़्यादा तेज़ होता है इनका।
किसी भी परिस्थिति में ढलने वाला व्यक्तित्व आपका नहीं है। आपके हिसाब से यदि परिस्थितियां हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर वहां पे एडजस्ट आप नहीं कर सकते हैं, एडजस्टमेंट वाला नेचर नहीं है आपका। यहाँ पे देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता मोल है या चोट का निशान है। यदि मोल होगा यहाँ पर तो पैसे के मामले में ये लकी बना रहा है आपको, लेकिन फैमिली लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती। ऐसे लोगों के साथ ही जो दुश्मन होते हैं आपके, उसके नंबर्स को ही बढ़ा देता है, दुश्मनों की तादाद बढ़ा देता है, बट पैसे के मामले में भाग्यशाली बनाता है। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है। लिटिल फिंगर जब रिंग फिंगर के पहले पर्व तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसे लोग अनुशासित नहीं होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होते हैं। जब आप खुद अनुशासित नहीं होते हैं, सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के अंदर ये आती है, समय का महत्व नहीं देते हैं। समय के ऊपर पूरी दुनिया का पूरा संसार चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है, यहाँ तक कि आप पृथ्वी पर हैं तो समय को सबसे ज़्यादा सम्मान आपको देना चाहिए, समय की पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि समय सबसे अधिक बलवान है, उसी के ऊपर पूरा का पूरा मामला टिका हुआ है। अब आप लोग क्या करते हैं, समय को महत्व नहीं देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या आती है, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से यूँ निकल जाती है, सामने से निकल जाती है, आप बस बैठे देखते रह जाते हैं। आपको ऐसा लगता है ये सब, जैसे प्रॉब्लम क्या होती है उसको समझिए, आप समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंटरव्यू है, अब एक मंथ के बाद है, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, इंटरव्यू नज़दीक आ गया, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इस इंटरव्यू में मैं नहीं बैठूंगा, मैं नेक्स्ट वाले में किसी और में बैठूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, भले आपको लग रहा हो कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप जाते तो वहाँ हो सकता था आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता था आपको कुछ ऐसा सीखने को मिले जो आपको आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको बेनिफिट दे। तो यहाँ आप लोग उस समय का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, जिससे सीख नहीं पाते हैं, ना सीखते हैं ना ट्राई नहीं करते हैं, ज़्यादा ट्राई नहीं करते हैं तो सीखते नहीं हैं, और सीखते नहीं हैं तो असफलताएँ ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं, है ना। तो बस यही है। तो पहला क्या है आपको, कि टाइम को महत्व देना है, समय को महत्व देना है। समय को महत्व देंगे आप, सफलताएं अधिक आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये लो सेट हो गया है, नीचे की तरफ झुक गया है, स्पेस ज़्यादा ले लिया और हार्ट लाइन आपकी ऊपर की तरफ चली गई। मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस कम मिल जाए, जुपिटर मर्क्यूरी की जो फिंगर है, एक मिनट, हाँ सही है, मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस कम मिल जाए, मर्क्यूरी की फिंगर को की हाइट कम हो जाए, ये आपके बोलने की जो कला होती है, वाक्पटुता होती है, आप शब्दों को सही से रख पाते हैं, सामने वाले शब्दों को सही से सामने वाले के सामने रख पाते हैं, तो वो जो पावर है आपके अंदर वो बहुत वीक होती है। आप जानते बहुत कुछ हैं लेकिन आप सही से उसे शब्दों में पिरोकर सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कभी भी आप देखना, जब फैमिली के अंदर बैठे हैं तो ठीक है, वहाँ तो चलो इंसान कुछ भी बोले फैमिली के लोग समझ ही जाते हैं, लेकिन कहीं भी बाहर आपको अपनी बात किसी के सामने रखनी है, 10 लोगों के सामने रखनी है, वहाँ आपको हेजिटेशन होगा। आप जानते बहुत कुछ होंगे लेकिन आप कह नहीं पाएंगे, आपके मन में ही बातें रह जाएंगी, ये दिक्कत होती है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और अपने आप से बात करनी है, किसी भी मुद्दे को लेकर के चिल्ला चिल्ला के बात करनी है। जिस दिन आप खुद को आसानी से समझाना सीख जाएंगे, दुनिया जीत लेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना किसी भी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में आप कम्युनिकेशन का स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक दूसरे की बातों को समझने के लिए, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए माध्यम केवल एक है, शब्द और आपके बोलने का तरीका, ये दोनों, तो इन दोनों में आप वीक हैं, इसको स्ट्रांग करना है आपको। आउटर मास काफ़ी अच्छा है आपका, माफ कीजिएगा, इनर मास काफ़ी अच्छा है आपका। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट हल्का सा वीनस के तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अपने द्वारा लिए गए किसी ना किसी डिसीजन की वजह से आप लोग जीवन में एक बार भारी नुकसान उठाते हैं।
आउटर मास भी आपका काफ़ी अच्छा है, ऊर्जावान है आप, निर्भीक हैं, निडर हैं और ऊर्जावान इस हद तक हैं यदि आप लगातार 12, 13, 15 घंटे भी काम करें। मैं आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानूंगी, शुभ मानूंगी आपकी हथेली को। यदि आप लगातार भी काम करते हैं तो कहीं भी थोड़ा सा भी हेल्थ इश्यूज़ काम करने की वजह से नहीं आएगा, वर्क करने के कारण नहीं आएगा। आप आज़ाद हैं, ब्रह्मांड ने आपको मेहनत करने के लिए बना दिया है। आपको जितनी मेहनत करनी है कीजिए, लेकिन दिमाग लगा करके कीजिएगा। लेफ्ट पाम में, लेफ्ट पाम होता है आपके पिछले जन्म में आपने जो कर्म किए हैं उसी का परिणाम ये लेफ्ट पाम आपका देता है, हथेली देती है। और राइट पाम प्रेजेंट में आपने जो कर्म किया है या जिस तरह के कर्मा की दिशा की तरफ आप हैं उसको ये शो करता है। तो पिछले जन्म में आपके कर्मा के आधार पे आपकी माइंड लाइन के ऊपर दबाव की स्थिति बन रही है, तकरीबन 35+ यानी 35-36 तक। माइंड लाइन पर यदि यव की आकृति बन गई है, दबाव की स्थिति को शो करता है, किसी न किसी कारण से अपने काम को लेकर के आप संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं और इस वजह से दबाव की स्थिति आपकी माइंड लाइन पर बन रही है। 25% इसका साइड इफेक्ट आपके जीवन के ऊपर देखने को मिलेगा। 35-36 तक इश्यूज हैं लाइफ में थोड़े बहुत। ये लेफ्ट पाम है, उसके बेसिस पे मैंने कहा है। अब देखिए यहाँ पे लक लाइन आई आपकी, ये लेफ्ट पाम को आप देखिए गौर से, ये लक लाइन आई यहाँ पे आकर के ये खत्म हो गई। ये शाखा नहीं है, राइट में तो शाखा निकली हुई है बट ये लक लाइन है जो कि केतु क्या से स्टार्ट हुई है और ये जाकर के लाइफ लाइन पर ख़त्म हो गई। ये क्या बतलाती है इसको समझिए। यदि लक लाइन आपकी केतु से स्टार्ट हो और वो लाइफ लाइन में जाकर के विलीन हो जाए और फिर यहाँ से निकली है, विलीन हो जाए, ये बतलाती है अपनी फैमिली के कारण, पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से आप एक उम्र तक बंध के रह जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि किसी पिंजरे में आपको कैद कर दिया गया है और आप चाह कर के भी अपनी काबिलियत के हिसाब से खुद को सफल नहीं कर पा रहे हैं, सफलता को नहीं पा रहे हैं। यानी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण ऐसे लोगों की काबिलियत कुछ उम्र तक, मतलब 35-40 तक दबी रहती है, दब जाती है। और आपको ऐसा नहीं है कि कामयाबी नहीं मिल रही, एक अच्छी बात क्या है क्योंकि राइट है पाम आपका अच्छा है, आपके इस जन्म का कर्मा बहुत अच्छा है, पिछले जन्म के कर्मा के हिसाब से सफलता आपको मिल रही है। प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि जीवन बहुत आसान है, कोई भी सफलता आपको बहुत आसानी से मिल रही है, प्रॉब्लम्स हैं लेकिन सफलताएँ भी हैं और अधिक हैं। 28 के बाद से सफलताएं मिलनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। एक छोटा सा ट्रायंगल, भले इसको स्पेस कम मिला है मर्क्यूरी के माउंट को, लेकिन छोटा सा ट्रायंगल है आपके मर्क्यूरी के माउंट के ऊपर। साइन है तो इसका पॉजिटिवनेस आपको दिखाई देगा क्योंकि 25% लागू करता है। यदि लेफ्ट पाम में कोई साइन है तो 25% इसका रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। ट्रायंगल के साइन का मर्क्यूरी के माउंट पर पाया जाना आपके बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। माउंट को स्पेस कम मिला है, पॉजिटिविटी कम हो गई है, लेकिन ट्रायंगल के साइन के कारण सफलता तो मिलेगी आपको। भले आप असफलताओं से ही सीखें, लेकिन एक दिन परिपक्व, यदि आप बिजनेस में आते हैं तो एक दिन परिपक्व बिजनेसमैन बन करके आप दिखा सकते हैं क्योंकि आपके मर्क्यूरी के माउंट पर ट्रायंगल का साइन है। बहुत तगड़ा, ये कौन दुश्मन है आपके जो इतने स्ट्रांगली आपके लाइफ पर ये दुष्प्रभाव डालते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये मुझे लग रहा है जैसे पेन का साइन है, इफ अगर ये मोल है, मतलब यानी इंक नहीं है, मोल है, तो आपको सलाह है मेरी तरफ से, आप अपनी संगति को थोड़ा संभल के ही रखिएगा। संगति में जो लोग आपके होंगे, जैसे आपके दोस्त हो गए, रिलेटिव हो गए, मतलब जिनके साथ आपका कनेक्शन होगा बाहरी लोगों के साथ, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ अगर यहाँ पे मोल होगा, ऐसे लोग गलत संगति में फंसते हैं। गलत संगति मीन्स कुछ ऐसे लोग आते हैं आपके जीवन में जो आपके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं,
खास करके यदि आप पुरुष हैं तो महिलाएं आपके ऊपर आरोप लगाती हैं। देख लीजिएगा, साइन होगा तो साइड इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही, ये तो गारंटी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, उसके साइड इफेक्ट को आप कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, इसीलिए अलर्ट मोड में रहिएगा। किसी पर भी, खास करके महिला वर्ग जो है उनके ऊपर, मतलब ऐसा नहीं कि वाइफ के ऊपर ही नहीं करना है, एक्सेप्ट योर वाइफ। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपके स्टाफ में कोई भी वुमेन है तो फिर यकीन नहीं करना है और अपने स्पेस में रहना है। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। 15-16 ठीक रहा आपका, 17 में चेंज आ गया। 17 से लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होते हुए दिख रही है, 17 से पहले तक का जीवन आपका ठीक है, लेकिन जैसे ही 17 में एंटर किया आपने, उसके बाद से नेगेटिविटी आपके जीवन में आने स्टार्ट हो गई। ट्वेंटी वन के आसपास चेंज आया, बट वो बहुत अधिक वॉर्थ इट मैं नहीं कहूँगी उसको। देन आफ्टर 23 में शादी हुई आपकी और आपके जीवन को एक नई दिशा मिली। ट्वेंटी फोर में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में 24 के लगभग, कोई खुशखबरी समथिंग। और 25½ 26 के आसपास थोड़े बहुत इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। राहु की लाइन ने काटा है तो ऑब्वियस ही बात है प्रॉब्लम तो ये देगा। ट्वेंटी एट 10½ ऑफ शूट है और चेंज आता हुआ आपके जीवन में दिख रहा है, यहाँ से जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। थर्टी वन एंड हाफ ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। और आपको बता दें कि 28 के बाद से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, 28 से जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बाद 29½ में भी छोटा सा ऑफ शूट है, तो छोटी सी खुशी आपको मिलते हुए दिख रही है। देन उसके बाद चेंज आया है 31½ 32 के लगभग ऑफ शूट है, बड़ी खुशी मिल रही है। आप यहाँ से इनफैक्ट 28 से आपकी लाइफ को एक नया ट्रैक मिल रहा है, हो सकता है नया बिजनेस अब स्टार्ट करें या जॉब में जाएं, बट जो भी है वो आपके जीवन को एक ठीक ठाक दिशा मिलते देती हुई दिख रही है। बड़ा चेंज आ रहा है 31 में। 34½ में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी आपको मिल रही है। मैंने पहले भी बोला है कि खुशियाँ हैं आपके जीवन में, निरंतर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बड़ा परिवर्तन, जिस तरह का जिस तरह की हथेली है, जिस तरह की सोच है और जैसा लकलाइन है आपका, उस तरह की सफलता आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी। कब से आगे देख लेते हैं, फिलहाल अभी ठीक है, लाइफ में आप आगे प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। 28 से अच्छा चेंज आ रहा है, 29 में ऑफ शूट है, बड़ी खुशी मिल रही है। 31½ में ऑफ शूट है, खुशी मिल रही है। 34½ में ऑफ शूट है, खुशी मिल रही है। अब चलते हैं आगे। 39 बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी, और यहाँ से
आपका जीवन पूरी तरह से बदल रहा है, यहाँ से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है क्योंकि लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हो गई है। ये लाइफ लाइन आपकी यहीं पेंड हुई और यहाँ से एक नई लाइफ लाइन आपके इनिशिएट हुई है। ये चेंज भले आपके हाथ में लाखों ऑप्शन हों, वो आपको उतनी बड़ी कामयाबी नहीं दे पाता है जो कि ये आपको कामयाब करता है। ये बताता है कि फिलहाल आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है उससे कहीं बेहतर स्थिति की तरफ आप मूव करते हुए दिख रहे हैं और बहुत अच्छी शुरुआत है। बहुत अच्छा बदलाव है ये। 39 41 ऑफशूट है, बड़ी खुशी आपको मिलती हुई दिख रही है। और 43 से अचानक परिवर्तन आया है, आपके जीवन को फिर से एक नई दिशा मिली है। तो लगातार आप अपने लाइफ में सफल होते हुए दिख रहे हैं। किसके भी पाम का एनालिसिस आप 15-20 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए बिकॉज 12 साल पर आपके हाथ में परिवर्तन कुछ ना कुछ आ ही जाता है आपकी कर्मा की वजह से। तो मैक्सिमम 12 से 15 साल तक का एनालिसिस होना चाहिए, 20 ईयर का करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इसके अलावा जब आप सलाह है मेरी, जब आप 40 के हो जाएंगे एक बार फिर से एनालिसिस करवा लीजिएगा। अब सेम चीज, मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, फंबल्स हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। एक दो बार मैंने भी गौर किया कि फंबल्स हो रहे हैं मेरे, मतलब वर्ड्स आपस में उलझ जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अब देखते हैं कि लक लाइन क्या बताता है, क्योंकि आपके हाथ में चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंजेस आ रहे हैं, 28 से आ रहे हैं, 31 में आ रहे हैं, तो उसका प्रभाव लक लाइन पे कहीं ना कहीं देखने को तो मिलेगा, उसको फाइंड करते हैं। 28 के आसपास आपके लक लाइन पर छोटा सा ऑफशूट है, तो छोटी सी कोई बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी खुशी की उम्मीद आप मत रखिएगा, छोटी सी खुशी आपको मिल रही है। 31 के आसपास भी ऑफशूट है, यहाँ से चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं आपकी लाइफ में। उसके बाद यहाँ पर राहु की लाइन के कट बहुत ज़्यादा हैं, यानी चिंताएं तो हैं, इसीलिए आपकी माइंड लाइन के ऊपर दबाव की स्थिति बन रही है। पैसे आ रहे हैं बट बहुत अच्छा अमाउंट नहीं है, लक लाइन का स्वरूप अच्छा नहीं है, नपा तुला हुआ अमाउंट आपके हाथ में आ रहा है, तो इस वजह से दिक्कत है, समस्याएं हैं। और पैसे में सुधार आता हुआ या ठीक ठाक पैसा आपके हाथ में आना स्टार्ट होगा, टिकना जिसको कहते हैं पैसे का टिकना, वो स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से आप बचत कर पाएंगे। 39 से आप बचत कर पाएंगे क्योंकि यहाँ दो दो लक लाइन है, मेहनत आपको ज़्यादा करवाता हुआ ये लक लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसा आप बचा पाएंगे, अभी फिलहाल बचत नहीं कर पाएंगे, जो आएगा पैसा वो हाथ से निकल जाएगा। आपको चांस मिलता है फॉरेन कंट्रीज जाने का, इस बीच में अगर चांस मिलता है और आप जाना चाहते हैं तो एक कोशिश कीजिएगा चले जाने का, बिकॉज इस लक लाइन के साथ यदि आप फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो वहाँ आप इनकम ठीक ठाक कर पाएंगे। यहाँ पर पैसा कमाने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि जब भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, लक लाइन बहुत अच्छी नहीं होती है, तो अमाउंट ज़्यादा कमाने या बिजनेस को बढ़ाने में दिक्कत होती है। लक लाइन का स्वरूप अच्छा होना स्टार्ट हो गया है 39 से, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद से पैसे की दिक्कत अपने आप आपकी कम होती चली जाएगी, और जैसे ही आप 43-44, तो फिर ये लक लाइन आपको, ये वाली लक लाइन करोड़ों में इनकम करवाती है, ये वाली लक लाइन, ये पैसा बहुत देती है, ये पैसा देती है लेकिन खर्चे भी करवाती है। पैसा होगा, खर्च होगा, बचत होनी स्टार्ट होगी, अच्छी मात्रा में पैसे आपके हाथ में बचने स्टार्ट होंगे 39 के जब आप हो जाएंगे। उससे पहले थोड़ी दिक्कत है, और ये लक लाइन क्योंकि ये पतली भी है और हल्की सी धुंधली भी है, पैसा एक तो मुश्किल से आता है और खर्च हो जाता है। धन रेखा की एफिशिएंसी, यदि पैसे की नीड है, क्योंकि आपकी बातों से तो लगा है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल आपके लिए, हालात जिस तरह से हैं, तो एक रेमेडीज आपको करनी होगी उस
धनरेखा की बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और साथ ही आपको किस तरह का व्यापार करना चाहिए, किस दिन कौन सा, यानी कौन सा डेट आपके लिए सही रहेगा, कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, ये सब जानने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी के वीडियो का वेट करना होगा। न्यूमरोलॉजी का वीडियो आपको कल मिलेगा और कल तक इंतज़ार कीजिएगा। बाकी न्यूमरोलॉजी के वीडियो के बाद आपको रेमेडीज़ आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको भेजा जाएगा। जो भी जिस तरह की रेमेडीज आपको चाहिए आप बता दीजिएगा, और अभी आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, फैमिली प्रॉब्लम से बाहर निकलने की बात आपने की है, तो 28 से लाइफ आपकी ठीक हो जाएगी, स्टेबल होने स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कर्ज की बात आपने की है, तो कर्ज से मुक्ति 28 के आसपास आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 28 के लगभग इन्वेस्टमेंट भी शो हो रहा है, यानी पैसे आप किसी को दे रहे हैं। तो 28 से लाइफ आपकी ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ने स्टार्ट होगी। उसके बाद एक अच्छी लाइफ, बेहतरीन लाइफ आपको मिलेगी 39 से। उससे पहले थोड़ी बहुत मतलब पैसा आएगा, फिर कहीं ना कहीं वो खर्च हो गया, यानी इनकम में भी आपको मेहनत अधिक करनी है, खर्चे भी हो रहे हैं, बट स्टेबल लाइफ 39 से। प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस में कहीं कोई कमी नहीं है, अपशूट है, खुशियाँ मिल रही हैं, और अभी तक जैसे भी लाइफ आपने जी है उसे कहीं बेहतर, अभी तक की आपकी जो भी लाइफ रही है उसे कई गुना ज़्यादा बेहतर स्थिति में आप पहुँच जाएंगे 28 के होने पर। तो बस आपके इतने ही सवाल थे आज के लिए, बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। न्यूमरोलॉजी का वीडियो कल आपको मिलेगा, उसके बाद रेमेडीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे।